खबर गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके से है, जिसे बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर लंदन बनाने की बात करते हैं। लेकिन विधायक के उस लंदन में बने शमशान घाट की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप दंग रह जाएंगे। लोनी में बना शमशान आज जर्जर हालत में, जिस ओर विधायक समेत अन्य जिम्मेदारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तस्वीरों में दिख रहा ये शमशान घाट उसी लोनी के प्रकाश विहार इलाके का है, जिसे यहाँ के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर लंदन बनाने की बात कहते हैं। इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है। वहीं बरसात के लिए बनाई गई शेड की हालत भी खस्ता है, जो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि वे केवल बिम पर छत बनाई गई है और वे बिम भी जर्जर हो चुके हैं। वहीं दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट में आने वाले लोगों के लिए बनाई गई बेंच भी खस्ता हाल है, वो भी बैठने लायक नहीं। आलम तो ये है कि किसी वक्त यहाँ मुरादनगर शमशान घाट की तरह हादसा हो सकता है। हम लोनी के प्रकाश विहार इलाके में आए हैं, जहाँ आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, यह एक शमशान घाट है जो लगभग 4 से 5 साल पुराना बना हुआ है। ग्राउंड जीरो पर आए और सच्चाई से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये प्रकाश विहार इलाके का शमशान घाट है, इसकी पैड़ियाँ हैं। पैड़ियाँ आप देख सकते हैं किस हालत में पैड़ियाँ, 4 से 5 साल पहले बना हुआ है ये शमशान घाट, इसकी आप पैड़ियाँ देख सकते हैं किस तरीके से। और दूसरी तस्वीरें मैं आपको साझा कराने की कोशिश करूँगा। आई मैं अपने कैमरा कैमरे साथी से कहूँगा कि आने की कोशिश करें और दिखाएं ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये इनका चबूतरा जिसे बोलते हैं, जिसपे सब जलाए जाते हैं, वो है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। दूसरी तस्वीरें मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूँगा कि 4 इंची की जो दीवार है, जिसके ऊपर एक बीम डाल रखा है, बीम के ऊपर 4 इंची की दीवार है और बीम भी पूरी तरीके से ठीक नहीं बना हुआ, वो भी टेढ़ा हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि अधिकारी किसी बड़े हादसे की ताक में बैठे हुए। वहीं दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो सबके साथ जो लोग आते हैं उनको बैठने के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या बनाया गया है। अब देखिए बिल्कुल सीमेंट की जो मात्रा है बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाई गई है। दूसरा पिलर भी देख सकते हैं किस तरीके से क्या चबूतरे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको मौजूदा हाथ दिखाऊं तो शमशान घाट के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सफाई है। मैं आपको अगर प्रधानमंत्री का जो मिशन चला स्वच्छ भारत अभियान, उसके बावजूद भी मैं आपको दिखा दूंगा कितनी सफाई यहाँ पर है। और एक दूसरी तस्वीर है, कोरोना काल अभी बिल्कुल चला है और मैं आपको दिखाऊं बिल्कुल बच्चे खेल रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेसिव तस्वीर समझने के लिए आपको दिखा रहा है। देखिए मैं एक और चीज से रूबरू कराऊंगा, बिल्कुल अभी हमारी नजर पड़ी है पीपीई किट इसके अंदर जो पाई गई है। शमशान घाट के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं पीपीई किट पड़ी हुई है, जो कोरोना वैक्सीन बनी है उससे पहले एक पीपीई किट पड़ी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ के शमशान घाट की हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि कोई भी किसी भी जिम्मेदार का इस ओर ध्यान नहीं है और यहाँ अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। गाजियाबाद के लोनी से समाचार टुडे के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।